मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों के भले के लिए कदम उठाया तो इसे देख पाकिस्तान बिलबिलाने लगा। गृह मंत्री कश्मीर के साथ हो रहे अन्याय को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे तो पाखंडी पाकिस्तान ने कश्मीर का पुराना राग अलापना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अनुच्छेद 370 खत्म करने पर पुराना राग अलापा है। असल में पाकिस्तान कभी चाहता ही नहीं कि घाटी में शांति बहाल और लोग अमन सुकून से जिए। कुरैशी जिस मुसलमान और कश्मीरियों की बात कर रहा है, असल में वो भूल जाते हैं कि सीमा पर पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद ने घाटी के लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। मोदी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया जिससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सूरत ही बदल गई। सरकार के इस फैसले का हर कोई स्वागत कर रहा है। संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ने कहा है कि मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि संवैधानिक तौर पर यह मजबूत है, इसमें कोई कानूनी या संवैधानिक खामी नहीं तलाशी जा सकती। सरकार ने इस मामले का सावधानी से अध्ययन किया है। जम्मू कश्मीर पर मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले ने देश भर में होली दिवाली सा माहौल बना दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में बड़ा ऐलान करते हुए जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का संकल्प पेश किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। इसके साथ ही आर्टिकल 35A को भी हटा दिया गया। राष्ट्रपति ने 35A हटाने की मंजूरी भी दे दी। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक भी सदन में पेश किया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर का दो भागों में बंटवारा भी कर दिया गया। अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश होगा, लद्दाख बिना विधानसभा का केंद्र शासित प्रदेश होगा। इस तरह केंद्र सरकार ने 1954 के कानून में कई संशोधन किए हैं और आज के दिन को ऐतिहासिक बना दिया। लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार के फैसले के बाद पाकिस्तान बिलबिलाने लगा है, उससे तो यही लगता है कि वो सरहद पर फिर कोई नापाक चाल चलेगा। लेकिन उसे याद रखना होगा कि ये मोदी सरकार है, ये गरजती भी है और बरसती भी है।